महाशिवरात्रि के अवसर पर हर साल भिलाई में बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति द्वारा भोले बाबा की बारात धूमधाम से निकाली जाती है। साल दर साल ये आयोजन भव्य होते जा रहा है। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति ने 18 फरवरी को होने वाली महाशिवरात्रि के लिए लगभग तैयारी पूरी कर ली है। भिलाई में भी विगत 15 वर्षों से बाबा की बारात का आयोजन किया जाता रहा है। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति द्वारा इस बार निकाली जा रही बाबा की बारात पिछले बार के मुकाबले ज्यादा भव्य रहेगी और अधिक झांकियां भी देखने को मिलेगी। इस बार बाबा की बारात में कुल 151 झांकियां आकर्षण का केंद्र होगी। 18 फरवरी महाशिवरात्रि को भोले की बारात का अद्भुत नजारा वाकई देखने लायक होगा। लगभग 50,000 लोग इस बारात के साक्षी बनेंगे। जी हां, हम बता दें कि बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह के नेतृत्व में बीते 14 साल से बाबा की बारात पूरी भव्यता से निकाली जाती है। इस वर्ष भी हर वर्ष की तरह हर हर महादेव व जय श्री राम और साथ ही बोलबम के जयकारों के साथ केरल की झांकियों में श्री विवाह देवी देवताओं के दर्शन होंगे। माँ काली माता का भव्य नृत्य की झांकी, गरुणा नृत्य की झांकी, मोर नृत्य की झांकी के साथ हजारों की संख्या में बाराती के रूप में शामिल लोग होंगे। आयोजन की जानकारी के साथ शहर व प्रदेश वासियों को शामिल होने की अपील अध्यक्ष दया सिंह ने की है। शहरवासियों से मेरा सर्वत निवेदन, प्रार्थना और विनती है कि देवादेव महादेव की बारात है और महादेव सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए धरती पे आ रहे हैं और आ रहे हैं क्योंकि शिव और शक्ति का मिलाप है और बाबा की बारात है तो हर दुख हर तकलीफ हर संकट को हरने वाला कोई है तो हर हर महादेव। तो देवादेव आ रहे हैं भिलाई खुर्सीपार में, मतलब छत्तीसगढ़ में। तो आप सब आए और बाबा की इस बारात में सम्मिलित हो, महा भंडारे का आनंद ले क्योंकि आप जिस मन जिस भाव से आएंगे बाबा आपको वो सब कुछ दे देंगे क्योंकि बाबा की कहावत है बाबा रखते कुछ नहीं सब अपने भक्तों को नछावर कर देते हैं। इसलिए भोले बाबा भोले ही है। इसलिए बाबा की कहावत है कि धन धन भोले नाथ कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोक बांट दिए खुद है बाबा आकाश में है पाताल में। बाबा को हीरे मोती जोरात नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, बाबा तो को तो एक लोटा जल दे दो, बेलपत्ती चढ़ा दो, बाबा उसी में प्रसन्न हो जाते हैं, रब भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इस बार केरल प्रदेश की झांकी आपको अद्भुत दिखेगी। बाबा भोलेनाथ जी का शिव तांडे का स्वरूप दिखेगा, शिव विवाह का महापार्वती भोलेनाथ जी का एक बड़ा अद्भुत सहयोग मिलेगा और रोहड़ों का मतलब आप देखेंगे भूत पिशाच राक्षस जो है वो एक अद्भुत नजारे के साथ झूमते हुए नाचते हुए बाबा की बारात में सम्मिलित होंगे। उसके साथ हरियाणा प्रदेश जिस प्रदेश के अंदर में तीन तीन बार अवार्डेड है वो ऐसा पगला बाबा करके एक बड़ा जिसे अवार्डेड है वो आएंगे, उनका एक अद्भुत नजारे के साथ आप देखेंगे कि एक अलग स्वरूप भिलाई के अंदर दिखेगा। आप मान के चले कि भिलाई नहीं दुर्ग नहीं पूरा छत्तीसगढ़ शिव में हो जाएगा। मुख्य अतिथि जो बाबा की भक्ति में आएगा वो अतिथि क्योंकि अतिथि तो भोले शंकर स्वयं है क्योंकि वो दूल्हा राजा है बाबा हमारे, इसलिए वही सब कुछ है जो आएगा वो आशीर्वाद बाबा से लेके जाएगा। अवश्य करेंगे समय और वक्त का सब कुछ बढ़ेगा। भिलाई दुर्ग ने पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर कारवा होगा। ये 15 वर्ष है, एक हमारी सोच है, एक हमारा भाव है, सब भक्त धीरे 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 जुड़ते जा रहे हैं। आज हजारों लोग हजारों भक्त बोलबम समिति से जुड़े हैं, कल ये कारवा और सदस्यता अभियान चलेगी उसके तरह जुड़ते जाएंगे और सबको जोड़ के आने वाले समय में कम से कम कुर्सी पा रहे हैं भिलाई के अंदर और आने वाले समय में रायपुर के अंदर। आप देख रहे होंगे कि जगह जगह भोले बाबा की बारात निकल रही है तो ये सिर्फ उदाहरण इस भिलाई कुर्सी पार का है क्योंकि लोग बाबा की बारात को देख रहे तो लोगों के मन के अंदर एक भाव आ रहा है कि बाबा की बारात ऐसी होती है, बाबा की बारात में भूत पिशाच होते हैं, बाबा की बारात में इतने लोग, तो लोगों का भाव और आने वाले कल्चर में जो हमारे बच्चे हैं वो इस संस्कार को जाने, इस उद्देश्य को लेके हम जगह जगह की झांकियां बुलवाते हैं ताकि लोग देखे जाने और आने वाले समय में एक और बड़ी तैयारी की जाएगी। तो आप भी कार्यक्रम में पहुंचकर इस अद्भुत विवाह के साक्षी बने। क्रेनेसी न्यूज के लिए प्रवीण मिर्जे के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट।